कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो ये लास्ट क्लास है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की, पर फिर भी COOH ये मान सकते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो किस तरह से बनाओगे? अनुनादी संरचनाएं बनानी है, किस तरह से बनाओगे? बोल के कैसे बनाओगे? निकोपी खोलो, उसमें बनाओ। बातें मत करो, कॉपी खोलो। ये एसिड इसकी भी बना सकते हो, अगर आप बना सकते हो तो, ठीक है, इसकी भी अनुनादी संरचनाएं बनती है। ये कार्बोक्सिलेट आयन है, इसकी भी अनुनादी संरचनाएं बनती है। आपको जो सरल लगे उसकी अनुनादी संरचना बनाओ। क्या होती है अनुनादी संरचना? ठीक है, नाम लिखना इनका, ये क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन है। ये सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। फिर इसके बाद में हम वही पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट में बचा हुआ है। सिर्फ एक रिएक्शन बची हुई है, हुंसडेकर रिएक्शन, और उसके साथ में हेल्वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमेशा किससे बनती है? एरो से शो होती है। बिना एरो के अगर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वो सही नहीं बनेगी। आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जा रहे हो, डबल बॉन्ड के तोड़ के इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जा रहे हो, उसका एरो बनाना जरूरी है। और आपने ये जो दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में एरो बनाया, ये भी गलत है। दोनों दिशा में दो अलग अलग लाइन नहीं बनती। ये तो होता है साम्य का, ये बनाया आपने, ये साम्य का निशान होता है, इक्विलिब्रियम का, अनुनाद का ये होता है, ठीक है। ये अनुनाद जब भी हम करते हैं, अनुनादी संरचनाएं जब भी बनाते हैं, तो दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में ये वाला साइन आता है, ठीक है। अगर इसकी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो आप किस तरह से बनाओगे? एक अनुनादी संरचना यहाँ पे बनेगी जहां पे हम क्या करते हैं। अच्छा, अनुनादी संरचना जो होती है उसमें होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। लूजली बाउंड मतलब वो आसानी से सेपरेट कर सकते हैं हम, ठीक है, अलग कर सकते हैं उस मॉलिक्यूल से। तो वो हम यूज करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और जब भी हम कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? चार। और यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे? यहाँ डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ये पांच हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्यों? जब भी हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन हम किसकी तरफ लेके जाते हैं? हमेशा कौन से तत्व की तरफ लेके जाते हैं? क्यों ऑक्सीजन की तरफ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी दूसरी यही बनेगी, जिसमें ये आपका क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये वाला डबल बॉन्ड आपका क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये ओ नेगेटिव, ठीक। अब इसका जब भी हाइब्रिड बनाना है, संकर बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनादी संकर जिसे हम बोलते हैं, उसको किस एरो से बनाते हैं? ठीक है, इससे। और बनेगा क्या कि यहां पे जो भी बॉन्ड बन रहे होते हैं और जो भी टूट रहे होते हैं उन सबको हम डैश डैश वाली लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वाला डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसको हम डैश से दिखाएंगे, ठीक है। ये वाला टूट रहा है तो इसको भी डैश से दिखाएंगे, यानी इस पूरे के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है, ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, आपको बनानी आनी चाहिए। और ये वाली क्यों जरूरी है, जब भी ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, एसिड का एसिडिक नेचर किसकी वजह से होता है, तो वो ये होता है कि जब भी हम यहाँ से एच प्लस को बाहर निकालते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और जब भी कार्बोक्सिलेट आयन बनता है तो वो स्थायी होता है, किसकी वजह से, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने की वजह से, अनुनादी संरचनाएं बनती है, अनुनादी संरचनाओं की वजह से ये स्ट्रक्चर जो है कार्बोक्सिलेट आयन की वो ज्यादा स्टेबल होती है। और अगर ये स्टेबल है यानी ये बहुत आसानी से H+ निकाल रही है, यानी ये उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, उतनी ही ज्यादा इसकी क्या होगी, अम्लीय प्रवृत्ति होगी, ठीक है, ठीक है। ये कॉमन था कि इससे हमें ये पता चल जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, उसका एसिडिक नेचर क्या होता है, उसका एसिडिक नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर किसकी वजह से होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। अब यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे क्लास के अंदर, रेगुलर क्लास के अंदर, वो था इसकी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की चार तरह की रिएक्शंस होती है, ठीक है, कौन कौन सी होती है, कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें पहले टाइप की रिएक्शन होती है जहां पे हमारा एच प्लस बाहर निकलता है, यानी ओ एच बॉन्ड टूटता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कौन कौन सी होती है, रिविजन है ये आपके लिए, पहले करवा चुकी हूं मैं। इसमें कौन सी रिएक्शन आती है, कि अगर हम किसी भी मेटल के साथ या फिर किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं इस एसिड की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन या प्रोटोन आपका बाहर निकलता है। प्रोटोन किसको बोलते हैं हम, एच प्लस को, एच प्लस जो बाहर निकलता है, इस एच प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटोन, है ना। जब प्रोटोन बाहर निकलेगा तो ये क्या बता रहा है, इसका एसिडिक नेचर बता रहा है, यानी प्रोटोन बाहर निकला, कार्बोक्सिलेट आयन बना। तो ये कब बनता है, जब हम किसी भी मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो मेटल कौन कौन से यूज करते हैं हम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है, ये मेटल्स हम यूज करते हैं। और जब भी हम मेटल यूज करेंगे, इनकी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या करेगा, मेटल जो है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देने की, ठीक है, वो हमेशा हमें किसमें, धनायन की फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो मेटल्स जो है वो हमेशा कार्बोक्सिलेट आयन के साथ एक सोल्ट का फॉर्मेशन करती है, लवण का निर्माण करती है, यानी यहाँ पे ये एक तरह से क्या बनता है, सोल्ट या लवण, ठीक है। अगर हम ले ले कोई भी बेस या क्षार, ठीक है, जैसे हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, एक मेटल है, ठीक है, ये मेटल जो है ये सेम रिएक्शन करेगी, ये क्या करती है, कार्बोक्सिलेट सोल्ट का फॉर्मेशन करती है ये, हम, ठीक है, और क्या करेगा, H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एसिड का H+ और इस NaOH का OH-, यानी टोटल एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और यही आपका सोल्ट दोबारा बनेगा। यानी ये रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, उसके अंदर हम मेटल के साथ या मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, और उससे क्या बनता है, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन होती है कि जब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, यानी OH- बाहर निकलता है, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, उसमें दूसरी है जहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, यानी OH- यहां पर बाहर निकलता है। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, जैसे हमें एसिड से बनाना है एसिड क्लोराइड, ठीक है, जैसे ये एसिड है और एसिड क्लोराइड कौन सा होता है, ये है ना। इस रिएक्शन में देखो क्या डिफरेंस है, इन दोनों में OH- माइनस की जगह के पे क्या है, Cl है, यानी हमने यहाँ पे इस एसिड में से क्या किया है, OH- माइनस को बाहर निकाला है, यानी ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, जहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और हाइड्रोक्सी आपका बाहर निकलता है, OH- माइनस बाहर निकलता है, और इसकी जगह दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही आके जुड़ता है, क्योंकि ये जब नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर इसकी जगह आने वाला भी क्या होगा, नाभिक स्नेही होगा, ठीक है, नाभिक स्नेही होगा, यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, क्लोरीन क्या है, अधातु है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखती है,
ठीक है, और वो क्या करती है, उसकी एक टेंडेंसी और होती है इनर्ट गैस के, अक्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त करने की, है ना। तो वो क्या करता है, ये सीएल माइनस के फॉर्म में हमेशा रहता है, और सीएल माइनस जब भी इस कार्बोक्सिलेट सॉरी कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर यानी इस कार्बन के ऊपर आके जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, एसिड क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। ठीक है, ये दूसरे टाइप की रिएक्शन है जहां पे OH- बाहर निकलता है, उसकी जगह दूसरा कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है। अब ये एसिड क्लोराइड भी बना सकते हैं हम, एमाइड भी बना सकते हैं। एमाइड कैसे बनाएंगे, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ तो NH2- जो है वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एस्टर बना सकते हैं हम ऐसे, जब भी एसिड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एस्टर बनाना है हमें, एस्टर बनाना है, उसके लिए रिएक्शन एसिड की किसके साथ करवाते हैं, बहुत ही कॉमन है, हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ते लेकिन ये तो पढ़ते हैं कि एसिड प्लस एल्कोहल से क्या बनता है, एसिड प्लस एल्कोहल से क्या बनता है, एस्टर बनता है। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, इसमें भी क्या है OR- आके जुड़ रहा है एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। ठीक है, इसमें से OR- जुड़ रहा है उसके साथ, यहाँ से निकला क्या H+, और यहाँ से निकला क्या OH-, यानी यहाँ पर भी एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और क्या बन गया, एस्टर। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप की रिएक्शन है जहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। तीसरे टाइप की इसमें रिएक्शन होती है जहां पे कंप्लीट आपका ये ग्रुप पार्टिसिपेट करता है COOH का। ठीक है, इसकी रिएक्शन कौन सी होती है कि या तो हम COOH का रिडक्शन करवा दे, अपचयन करवा दे, एसिड का जब भी अपचयन करवाते हो तो क्या होता है, एसिड के अपचयन से क्या बनता है, अपचयन, हिंदी में अपचयन बोला है और क्या बोलू, अपचयन से क्या बनता है, कीटोन और एल्डिहाइड, और एक बार और अपचयन करवाओगे तो एल्कोहल, और एल्कोहल का आगे करवाओगे तो एल्केन। ठीक है, ये अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन का इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका जब भी अपचयन करवाते हैं तो अपचयन कौन से कार्बन का होता है, ये भी कार्बन है, आर क्या होता है, कार्बन की सीरीज कोई भी ले सकते हैं हम, इसलिए यहाँ पे हम आर लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब भी हम रिडक्शन करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, तो ये अपचयन कौन से ग्रुप का होता है, इस पूरे COOH ग्रुप का होता है। ठीक है, जब इसका अपचयन करवाएंगे तो क्या बनेगा, दो बार करवा दिया तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एल्कोहल, यानी इसी कार्बन से ही एल्कोहल बनेगा, यानी इसी कार्बोक्सिलिक समूह का हमने क्या करवाया है, अपचयन करवाया है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी जहां पे पूरा ये COOH ग्रुप आपका पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसमें दूसरे टाइप की रिएक्शन आती है डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण, वो कौन सी होती है, क्या बनेगा, जब हम एसिड का वी कार्बोक्सिलीकरण करेंगे, वी कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, ठीक है, थर्ड टाइप की रिएक्शन है जिसमें COOH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, तो उसकी एक रिएक्शन तो ही कौन सी, रिडक्शन या अपचयन, दूसरे टाइप की रिएक्शन कौन सी होगी, डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकरण। अब वी कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, जिसमें CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगा तो एल्कोहल कैसे बनेगा, ये इससे CO2 बाहर निकालो क्या बनता है, एसिड से CO2 बाहर निकालोगे क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, RH बचेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है, ये जो एल्केन बनता है इसमें होता क्या है कि एक कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाली पूरी सीरीज से कम हो जाता है, यानी यहाँ पर लोअर एल्केन बनता है, निम्नतर एल्केन बनता है। एक कार्बन कम किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ से एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है इस वजह से।
ठीक है। तो ये जो डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है, ये तीन टाइप की होती है, यानी इसकी मैकेनिज्म हम तीन तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सिंपल हम कार्बोक्सिलेट आयन बनाए, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन जैसे ये बना रखा है हमने, इसमें से हम क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड लेके आएंगे यहाँ पे। ज्यादातर हम क्या करते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता बढ़ती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं, ये वाला कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, एल्केन CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका मैकेनिज्म होता है कि हम बनाए इसका फ्री रेडिकल, कार्बोक्सिलेट आयन का फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनता है, मुक्त मूलक क्या होता है, समांश विखंडन के कारण, है ना, समांश विखंडन के कारण दो फ्री रेडिकल बनते हैं, यानी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बनता है। एक जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, दो से। जब उसका समांश विखंडन होगा, समांश विखंडन क्या होता है कि हम बॉन्ड को बिल्कुल बीच में से तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों जो एलिमेंट है दोनों तरफ, उनके पास क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे बनने वाले ये जो दोनों है, ये क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक, ठीक है। तो दूसरी मैकेनिज्म होती है जिसमें हम क्या बनाते हैं, मुक्त मूलक। अब ये जो मुक्त मूलक बनाया, इसमें से CO2 कैसे निकलेगा, कि ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक बार अगर कोई मैकेनिज्म फ्री रेडिकल से स्टार्ट होती है, मुक्त मूलक बना के स्टार्ट होती है, तो आगे की पूरी मैकेनिज्म भी फ्री रेडिकल से ही चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये वाला जो बॉन्ड है, इसका भी क्या होगा, समांश विखंडन होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, ये क्या बना देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ये CO2 आपका बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, एल्किल का फ्री रेडिकल, ठीक है, एल्किल का फ्री रेडिकल बनता है। अब ये जब भी मुक्त मूलक क्रिया विधि होती है, तो उसमें लास्ट स्टेप क्या होता है कि जितने भी मुक्त मूलक उस रिएक्शन के अंदर बनते हैं, वो आपस में रिएक्शन करके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, एल्किल का फ्री रेडिकल। तो ये दूसरे एल्किल के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हायर एल्केन बनाता है, उच्चतर एल्केन बनाता है, ठीक है। ये दो टाइप की मैकेनिज्म है। अब इसके लिए दो तरह की रिएक्शन थी डी कार्बोक्सिलेशन की, एक थी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस या कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, हम एनोड पर रिएक्शन करवाते हैं, यानी एनोड पे क्या होता है, ज्यादातर एनोड जो है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकलता है, इस फ्री रेडिकल का, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आता है, कार्बोक्सिलेट आयन होगा हमारे पास, ठीक है। इस कार्बोक्सिलेट आयन पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। जब फ्री रेडिकल बनेगा तो उससे हम क्या करेंगे, CO2 बाहर निकाल देंगे, एल्किल का फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। और एल्किल का फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, मतलब मैकेनिज्म फ्री रेडिकल वाली ही लगेगी, सेम उसी तरह से रिएक्शन होगी, लेकिन ये एनोड पर होती है, यानी इस पे एनोड का कैथोड हम सेल का यूज करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ठीक है। नाम नेम रिएक्शन है, इसलिए आपको याद रखनी है, विद मैकेनिज्म याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड इसी की रिएक्शन होती है, हुंसडिकर अभिक्रिया। हाँ, हुंसडिकर अभिक्रिया, हुंसडिकर अभिक्रिया में क्या होता है, फिर से हम कार्बोक्सिलेट आयन ही लेते हैं, हाँ, लेकिन इसका सिल्वर सोल्ट लेते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन जो है, हुंसडिकर में क्या होता है, हम लेते हैं सिल्वर सोल्ट कार्बोक्सिलेट आयन का, ये काम में लेते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन का हमेशा सिल्वर सोल्ट काम में लेते हैं, नेम रिएक्शन है, इसलिए आपको ये रिएजेंट भी याद रखना है कि हम सब्सट्रेट यही यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करते, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो है वो हम किसके साथ करवाते हैं, किसी भी हेलोजन के साथ, और किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, CCl4 यानी नॉन पोलर सोलवेंट की उपस्थिति में,
ठीक है, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये रिएक्शन भी क्या होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म अपने कल करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बता देती हूँ कि इसमें भी क्या होगा, जैसे आपका पहले कार्बोक्सिलेट आयन बना ये, फिर इसका बनेगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इधर से इस Br- का भी क्या बनता है, फ्री रेडिकल Br- क्या, Br2 का, ठीक है, Br2 का भी क्या बनता है, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, फिर से CO2 बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एल्किल का फ्री रेडिकल बनता है। ये एल्किल का फ्री रेडिकल ब्रोमीन के फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, RBr, यानी ये जो होम्सब्रेकर रिएक्शन है उसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या बनाया था, एल्केन बनाया था, लेकिन उच्चतर एल्केन बनाया था, यानी कार्बन की संख्या वहां पर बढ़ गई थी, ठीक है। होम्सब्रेकर अभिक्रिया में मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है, क्योंकि हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हैलोजन की प्रेजेंस में, ठीक है। रिएक्शन पूरी ढंग से कल वाली क्लास में लिखेंगे। और फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो होती है इस एसिड के इस एल्किल ग्रुप में होने वाली रिएक्शन, ठीक है। चार रिएक्शन होती है एसिड की, एक जिसमें H+ बाहर निकलता है, OH बॉन्ड टूटता है, ठीक है। दूसरा जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, OH- बाहर निकलता है, ठीक है। तीसरा जिसमें COOH पूरा ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, और चौथी रिएक्शन होगी जिसमें सिर्फ एल्किल ग्रुप जो है एसिड का वो पार्टिसिपेट करेगा। उसके अंदर एक ही रिएक्शन है, वो है वेल हेल बोल हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। वो अपने दोनों रिएक्शन हूं स्टीकर और वो कल करेंगे, ठीक है।